अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल प्रैक्टिस एंड स्टडी। टुडे माय सेकंड लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर हमने किया था सब सेक्शन टेंथ इकर, सेक्शन टू के सब सेक्शन टेंथ इकर। आज हम स्टार्ट ले रहे हैं जी सीपीसी के सेक्शन टू सब सेक्शन 11 से। तो आज इसको हम पूरा करते हैं डेफिनेशन क्लास को, ताकि नेक्स्ट हम जल्दी जल्दी से उसको वाइंड अप करते जाएं, बाकी जो हमारे सेक्शन हैं लॉ ग्रेड की प्रिपरेशन क्लासेस के। तो बगैर देरी के शुरू करते हैं सेक्शन टू सब सेक्शन 11, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इसका क्या मतलब बना, कभी जो भी लीगल तौर पर किसी को प्रेजेंट कर रहा है किसी भी प्रॉपर्टी में, किसी कोर्ट में, किसी स्टेट के सामने, उसका मतलब होता है कि वो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे कोई वकील है, जैसे कोई अटॉर्नी है, कोई भी है। अब उसकी इंग्लिश देख लेते हैं, मेन अ पर्सन मीन्स इज अ पर्सन हु इन लॉ प्रेजेंट द स्टेट ऑफ अ डिसीज पर्सन। किसको? मरे हुए बंदे को, मरे हुए बंदे को प्रेजेंट कर रहा है किसी भी कोर्ट के सामने, स्टेट के सामने, किसी जगह पर भी, उसे कहेंगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव। आगे चलते हैं सेक्शन टू सब सेक्शन 12, मीन्स प्रॉफिट। मीन्स प्रॉफिट ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स, अब ये मीन है, मीन एस साइलेंट है इसमें, ठीक है जी। मीन प्रॉफिट्स ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स मतलब दिस प्रॉफिट विच द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन ऑफ सच अ प्रॉपर्टी। बंदा रॉन्गफुली किसी चीज़ का बेनिफिट खा रहा है, प्रॉफिट खा रहा है, या किसी का मसाल किसी का घर ले लिया किराए पे, वो अब अपने लैंडलॉर्ड को उसका किराया नहीं दे रहा और उसका पोजेशन जो है वो एंजॉय कर रहा है, उसे कहेंगे हम रॉन्गफुल प्रॉफिट, ठीक है जी। और रॉन्गफुल प्रॉफिट। आगे चलते हैं सेक्शन टू सब सेक्शन 13। 13 क्या कह रहा है जी, मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग ग्रोइंग क्रॉप्स। जो भी प्रॉपर्टी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती हो, या वो ज़मीन के साथ चिपकी भी ना हो, लगी भी ना हो, जैसे कि प्लाट है, अब आप प्लाट को उठा के एक जगह दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते, जगह वहीं के वहीं रहेगी, और जिसको लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकती है प्रॉपर्टी, उसको कहेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी। इसका लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेंथी हो जाता है, इसको इंशाल्लाह ताला हम बाद में करेंगे, लेकिन ये लॉ गैट की जो तैयारी है उसमें अगर आता है मूवेबल प्रॉपर्टी की, तो उसकी ये डेफिनेशन है, क्लियर है स्टूडेंट के लिए है। आगे चलते हैं सेक्शन टू सब सेक्शन 14, क्या जी, ऑर्डर्स। ऑर्डर्स मीन द फॉर्मूला एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट विच इज नॉट अ डिग्री। कोई भी ऑर्डर जो फार्मूला एक्सप्रेशन के तहत डिसीजन एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट दिया जाएगा, वो क्या डिग्री नहीं कहलाएगा। अब मिसाल है, किसी जगह पर किसी अदालत में केस चलता है, तो उस पर हर पेशी पे जज ऑर्डर लिखता है, ठीक है। फार्मूला एक्सप्रेशन के तहत कोई ना कोई ऑर्डर लिखता है, आज मैंने नोटिस कर दिया, आज मैंने अखबार तैयार कर दिया, आज मैंने एविडेंस रिकॉर्ड कर ली, जज अपने ऑर्डर्स में रोक देता है, तो उसे डिग्री कंसीडर नहीं किया जाएगा। डिग्री कंसीडर तभी होगा क्वेश्चन के जरिए डिग्री पास कर देंगे, फाइनल डिग्री, जिसमें मजीद कार्रवाई की ज़रूरत नहीं होगी, उसे कहेंगे। तो फॉर्मल एक्सप्रेशन में भी मजीद कार्रवाई होनी होती है, भारी मैंने डिग्रीज कह सकते हैं आप। आगे चलते हैं सेक्शन टू मीन्स। मीन क्या है जी, अकॉर्डिंग टू किसके, अब जुडिशियल डिक्शनरी, ऑल द लॉ शुड बी मेड टू इन फर्दर। मतलब कि जो रूल के मुताबिक दिया गया है उसके मुताबिक ही चला जाएगा, ठीक है। प्रिस्क्राइब्ड अकॉर्डिंग टू रूल्स, रूल्स जो बनाए गए हैं मातहत अदालत के लिए और या सीपीसी में हैं, उनके मुताबिक ही चला जाएगा। और 15 क्या कह रहा है, प्लीडर। प्लीडर मीन एनी पर्सन इंटाइटल टू अपेयर एनी प्लीड फॉर अन अदर इन कोर्ट। कोई भी बंदा है जिसे हक हासिल, यानी कि जिसे दिया गया है पेश होने के लिए और मौका पेश करने के लिए, कहाँ पर, कोर्ट में, ठीक है जी।
उसे क्या कहेंगे, प्लीडर। प्लीडर की डेफिनेशन भी थोड़ी लंबी है, तो अभी लॉ गेट की ही तैयारी डेफिनेशन की क्लास है, इंशाल्लाह ताला इसे आगे जाके और एक्सप्लेन कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही है लॉ गेट की तैयारी के लिए कि मीन एनी पर्सन इंटाइटल टू अपेयर एंड प्लीड फॉर अन अदर इन कोर्ट। ठीक है, उसमें कोई वकील भी हो सकता है, किसी को आप हक भी दे सकते हैं, कोई अटॉर्नी भी हो सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, प्लीडर, जैसे हमने गवर्नमेंट प्लीडर में पढ़ा था। आगे चलते हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 16, आगे चलते हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 17, पब्लिक ऑफिसर। पब्लिक ऑफिसर एवरी मेंबर ऑफ द सिविल सर्वेंट पाकिस्तान, इसमें कोई भी हो सकता है, मतलब जो भी बंदा एम्प्लॉयड है सिविल सर्विस में। आगे चलते हैं सेक्शन 2 सेक्शन 18, रूल। रूल मीन, मैंने जैसे कि पहले अर्ज किया था पहले अपनी वीडियो में, पहले लेक्चर में, रूल्स कौन बनाता है, हाई कोर्ट बनाता है। अब वो कहाँ पे लिखा हुआ, कैसे बनते हैं या क्या होता है, अंडर सेक्शन 122 और 125। अब 125 तो हो गया जी उम्र, ठीक है जी, तो अब पीछे क्या है, अब उसकी डेफिनेशन अगर आपने देखनी है तो 122 अगर देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि ऑर्डर कौन बना रहा है, हाई कोर्ट बना रही है, और सेक्शन में अमेंडमेंट कौन करता है, पंजाब गवर्नमेंट करेगी या कोई भी सूबे की गवर्नमेंट होगी वो करेगी। ठीक है, आगे चलते हैं हम सेक्शन 2 सेक्शन 19, शेयर इन अ कोऑपरेटिव मीन, मतलब क्या है, शेयर इन अ स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट में जिनके शेयर्स वगैरह हैं वो भी, ये अब सिविल ज्यूरिडिक्शन में जो जो का आ रहा है ये उन्हीं का है मामला, डेफिनेशन क्लास में एक्सप्लेन किया गया। फिर आगे चलते हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 20, साइन सेफ इन द केस ऑफ जजमेंट एंड डिग्री इंक्लूड स्टैम्प्ड, साइन एंड स्टैम्प। कोई भी इस सब सेक्शन में बताया गया है, कोई भी जजमेंट होगी, कोई भी डिग्री होगी, कोई भी ऑर्डर होगा, तब तक कंसीडर नहीं किया जाएगा ऑफिशियली, तब तक कंसीडर नहीं किया जाएगा जब तक उस पर जज के साइन और स्टैंप ना लगी हो, तब तक उसे ऑफिशियली कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये आज हमारी सब डेफिनेशन क्लास कंप्लीट हो गई है, डेफिनेशन क्लास कंप्लीट है, इंशाल्लाह ताला आगे आसानी ही आसानी है, क्योंकि जो डेफिनेशन क्लास में स्ट्रगल होती है या मेहनत होती है वो पूरे आप देखेंगे तो पूरे सीपीसी में नहीं है, जो डेफिनेशन क्लास में हमारी स्ट्रगल है। तो डेफिनेशन आज हमारी क्लियर हो गई है, आगे हम चलेंगे फर्दर लेके सेक्शन 3 से लेके 12 तक, तो हम ये आगे का जो सफ़र है हमारा जल्दी से इंशाल्लाह ताला कट जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को पुश कीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।